माय डियर क्लास 12th स्टूडेंट, बिजनेस स्टडीज में हम लोग मार्केटिंग चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग में भी हम लोग मार्केटिंग मिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स का एक बार रिकैप कर लेते हैं। मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स इस बात को रिफर करता है कि ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे टूल्स या ऐसे वेरिएबल्स को मार्केटर यूज करता है। अगर इस तरीके से यूज करता है, इस ऑर्डर में यूज करता है कि हमारा जो कस्टमर है पर्टिकुलर टारगेट मार्केट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में इंटरेक्ट करे, उसी को हम क्या बोला जाता है, मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। मार्केटिंग मिक्स के बेसिकली 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। फर्स्ट वाला है हमारा प्रोडक्ट, सेकंड वाला होता है हमारा प्राइस, वो थर्ड वाला होता है हमारा प्लेस और फोर्थ वाला होता है प्रमोशन। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन्हें थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट वाला होता है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा गुड्स और सर्विसेज है जो मार्केट में हम ऑफर करते हैं सेल करने के लिए। तो अब इसमें जो है हमारा प्रोडक्ट मिक्स आता है। अब ये प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड करोगे आप? तो फर्स्ट वाला इसका एलिमेंट होता है हमारा पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। बेसिकली प्रोडक्ट को जब भी आप डिजाइन करते हो तो प्रोडक्ट में आप क्या देखते हो? प्रोडक्ट की क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट के फीचर्स होना चाहिए। नया कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसकी डिजाइनिंग, उसका डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का भी हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। तो ऐसा एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट हम मार्केट में बना बेचते हैं जिससे कि हमारा कस्टमर क्या हो, अट्रैक्ट हो। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। देखिए, अब एक इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली पैकेजिंग हमारा क्या है, एक प्रकार का क्या है, आउटर लेयर है। जैसे मैं अंदर इसकी बात करूँ, मैं ओरियो बिस्किट का पैकेट है हमारा, ठीक है, एक प्रकार का ये पॉलिथीन पैक दिया है फैमिली पैक में। अब ये क्या है, ओरियो बिस्किट के लिए एक प्रकार का क्या है, आउटर रैपर है जो कि इसके अंदर जो गुड्स होगा उसको ये प्रोटेक्ट करेगा। लेबलिंग क्या होगा, इसके ऊपर आप जो भी चीज़ देखिए, ये देखो, ये से आप देख रहे हो आप, ये हमारा ब्रांड ओरियो इज हमारा क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर, मार्केटर कौन है, इस बिस्किट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, कहीं कोई टेक्निकल जो भी स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू लाइसेंस वगैरह, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, लेबलिंग हो गया है। उसके बाद में आता है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग किसको बोलते हैं, एक देखिए ये ओरियो, अब एक प्रकार का ये ऐसा हमारा साइन है, सिंबल है, या इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है प्रोडक्ट में जो कि मार्केट में दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएशन करता है, हमारे प्रोडक्ट को जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को डिफरेंट बताएगा, तो वो क्या है, ये हमारा ब्रांड नेम है। ये क्या हो सकता है, नेम भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, क्या ऐसा कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस को मार्केट में शो करता है, वो हमारा कहलाता है ब्रांडिंग। तो आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट मिक्स में पैकेजिंग, लेबलिंग और ब्रांडिंग। अब सेकंड वाले आते हैं हम लोग, सेकंड वाला है हमारा प्राइस। प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होता है हमारा, प्राइस लेवल, मार्जिन्स, प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी और प्राइस चेंज। इसे हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखिए, प्राइस लेवल किसको कहेंगे हम, आप जैसे इसी का हम एग्जाम्पल लें, ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे आप कंपनी ने इसे में क्या निकाला है, 75 ग्राम में निकाला है, उसके बाद में 125 ग्राम में निकाला है, फिर इसे 250 ग्राम में निकाला है, उसके बाद में इसे 400 ग्राम में निकाला है ना, इस तरीके से। तो अब देखिए, हर जितनी भी क्वांटिटी होगी उस क्वांटिटी के हिसाब से इसका प्राइसिंग अलग अलग होगा। तो जो 75 रुपीज़ को यदि मान लो 10 रुपीज़ में दे रहे हैं, ये हमारा कितने में बेच रहे होंगे, 20 में बेच रहे होंगे, ये हमारा कितने में बेचेंगे, अराउंड 30 रुपीज़ में, और ये हमारा 50 रुपीज़ में, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार का
प्राइसिंग लेवल हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो कहाँ मिनिमम से ले लेके मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। सेकंड हमारा मार्जिन की बात करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को जो भी मार्केट में सेल आउट करेंगे तो उन इंटरमीडिएट्स को हम कितना प्रॉफिट देंगे, उनको कितना मार्जिन होगा, प्लस उनके मार्जिन से हमारा भी मार्जिन निकलेगा। देखिए ये मार्जिन से मतलब आपका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आप जो भी कमाओगे आप वो क्या होगा, हमारा मार्जिन होगा। बट ऐसा मार्केट में नहीं होता है। सपोज करो इसकी जो प्राइसिंग है आपको 5 रुपीज़ पर आया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 रुपीज़ है। अब इसे आप 10 रुपीज़ में बेच रहे हो तो कस्टमर तो 10 रुपीज़ पे कर रहा है, बट आपको बीच में वेरियस जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनकी कॉस्ट को भी आपको बियर करना पड़ता है। प्लस मार्केट में अब क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी होगा, होलसेलर भी होगा, रिटेलर भी होगा, है ना, वो भी सब मार्केट में प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, हमको मार्जिन देना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा मार्जिन हम क्या कर सकते हैं, प्राइस में सेट करते हैं। उसके बाद में प्राइसिंग पॉलिसी हमको इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कॉम्पिटिटर ब्रांड के अकॉर्डिंग जो है एक हमारा स्टैंडर्ड प्राइसिंग पैरामीटर हम लोग डिसाइड कर लेंगे। फिर तो उसके बाद में आता है हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटजी। मार्केट में टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन हमको क्या करना पड़ता है, कॉम्पिटिटर से बेहतर हमें, या जब भी हमारे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सीज़न आता है तो उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ कस्टमर्स को ऑफर वगैरह देना पड़ता है। तो काउंटर स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, जिस तरीके से मार्केट ने बनाया। जैसे जनरली क्या होता है समर सीजन्स में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक ने पेप्सी ने ये स्लोगन दिया, तो उसी से क्या होता है काउंटर पार्ट करते हुए यदि कोक भी दूसरा अपना स्लोगन देता है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। तो इस तरीके की हम जो क्या करते हैं कि स्लोगन वाइज भी हम करते हैं, प्लस हमको वहाँ पर प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी वहाँ पे डिसाइड करनी पड़ती है, प्लस अट्रैक्टिव स्कीम्स वगैरह हमें यहाँ पे क्या होता है कस्टमर्स को देना, रिटेलर को देना पड़ता था कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिफोर द कस्टमर क्या करे, वो पिच करे। उसके बाद में आता है हमारा प्राइसिंग चेंज। कहीं भी कोई हमें प्राइस चेंज करना है तो आपको प्राइसिंग चेंज कैसे करेंगे, आप पहले कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजी को बनाएंगे, उसकी स्ट्रेटजी को देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी प्राइसिंग से ज़्यादा आप अपनी प्राइसिंग को नहीं ले जा सकते, वरना आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में बिकना बंद हो जाएगा। तो आपको प्राइस चेंज जब भी करोगे, यदि कोई यूनिक फीचर आप अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हैं तो आपका प्राइसिंग बढ़ता है तो बात अलग है, अदरवाइज यदि मान लो कॉम्पिटिटर भी सेम ब्रांड दे रहा है, सेम प्रोडक्ट दे रहा है और आप भी सेम प्रोडक्ट को दे रहे हो फिर प्राइसिंग चेंज करते हो तो उस समय थोड़ा सा आपको डिलीबरेट डिसीजन लेना पड़ेगा। हमारा जो नेक्स्ट वाला है मार्केटिंग एलिमेंट वो है हमारा प्लेस। प्लेस में हम क्या करते हैं, बेसिकली प्लेस से मतलब है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर, है ना, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो वहाँ से आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट कैसा जाएगा, उसका फिजिकल मूवमेंट कैसे होगा, उसका डिसीजन हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लेस में लेते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, चैनल की स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, आपका प्रोडक्ट किन किन इंटरमीडिएट्स के बीच में से होता हुआ कस्टमर तक पहुंचेगा। तो आप क्या करोगे, बीच में आपको, आप यदि मैन्युफैक्चरर, जैसे मान लो एक कंपनी एबीसी मैन्युफैक्चरर है तो वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर भी अपॉइंट करती है, वो होलसेलर में भी माल देती है, प्लस साथ साथ में वो क्या करती है कि रिटेलर को तो जाते ही जाता है, फिर रिटेलर से वो कस्टमर तक जाता है। तो बेसिकली 0 लेवल है ना, उसके बाद में 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल या फिर डायरेक्ट हम क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुँचते हैं। तो ऐसे भी चैनल हम डिसाइड करना है तो वो सब चीज़ें, वो सब डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं। उसके बाद में हमारे प्रोडक्ट से लेके चैनल का सिलेक्शन हमें कैसे करना है वो भी हम यहाँ पे प्लेस वाले एलिमेंट में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद में चैनल में कॉन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना स्वाभाविक से बात है, क्योंकि गुड्स कभी कभी आप जो भेज रही होती है ऑर्गेनाइजेशन, फर्म ने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग ने क्या करा कि अपने गुड्स को भेजा,
अब वो रास्ते में कहीं भी कोई ट्रांसपोर्ट में गई है, मान लो ब्रेक हो गया, ब्रेकेज आ गई है, आपका प्रोडक्ट खराब हो गया है, तो उसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है, रिटेलर है, उसकी तो कोई गलती नहीं है, तो उस केस में आपका डिस्प्यूट आ सकता है, कहीं कहीं पेमेंट को लेके भी डिस्प्यूट आपका राइज हो सकता है। इसलिए आपको अपनी पॉलिसीज को इस तरीके से बनाना है कि कहीं भी कोई अमंग द आपके जो भी इंटरमीडिएट्स उसके बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो। उसके बाद में प्रॉपर चैनल का कोऑपरेशन करना है और चैनल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको देखना है कि आप देखो अभी प्रॉपर चैनल का कोऑपरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है। जैसे ये जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका एक प्लेस से, यदि मान लो आप मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास में आपका प्रोडक्ट गया, डिस्ट्रीब्यूटर से आपका होलसेलर के पास में गया और होलसेलर से आपका प्रोडक्ट रिटेलर के पास में गया, उसके बाद फाइनली आप कस्टमर तक यदि आप जा रहे हो, तो देखिए इसके बीच में ये गुड्स का फिजिकल मूवमेंट है, यहाँ से फिर आपका क्या होगा, पेमेंट का भी तो मूवमेंट होगा। तो एक तरफ से गुड्स का जाना, दूसरी तरफ से पेमेंट का आना, तो इसमें कोऑपरेशन हो हमेशा। और कहीं भी कोई प्रॉपर आपके गुड्स में डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं कोई ऐसा क्लेशेस नहीं हो, ताकि टाइमली डिलीवर भी करना है, ताकि जो मार्केट में डिमांड क्रिएट कर रहे हो आप थ्रू द एडवर्टीजमेंट, है ना, आप तो एडवर्टीजमेंट चला ही रहे हो, डिमांड भी क्रिएट हो रही है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट को इंश्योर करना वो भी ज़रूरी है। उसके बाद लास्ट वाला हमारा एलिमेंट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को हम मार्केट में पिच इस तरीके से करते हैं कि कस्टमर एकदम से क्या होता है, कस्टमर अनडिसाइडेड होता है, कस्टमर का मूड बड़ा विचित्र सा होता है, वो कभी भी डिसीजन लेने में काफ़ी डिले करता है। तो ये जो प्रमोशन की जो टूल्स और टेक्निक्स होती है, ये इमिजिएटली हमारे बायर को और पोटेंशियल बायर को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, इंकरेज करती है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करें। प्रमोशन मिक्स के जो बेसिकली टूल्स होते हैं वो क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा एडवर्टाइजिंग एक प्रकार का ऐसा कम्युनिकेशन है जो कि पेड फॉर्म में होता है। किसमें होता है, वो हमारा पेड फॉर्म में होता है। मार्केटर क्या करता है कि मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट करवाने के लिए एडवर्टाइजिंग को करता है, ठीक। उसके बाद में आता है हमारा पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग से मतलब है यदि कोई हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, यदि कोई बड़ा है, जैसे हम क्या बेच रहे हैं, सपोज करो हम ऑटोमोबाइल, हम कार बेच रहे हैं, या फिर हम क्या बेच रहे हैं, वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, या फिर हम क्या बेच रहे हैं कि वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, अब ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जिसके कि टेक्निकल फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे हम पर्सनल सेलिंग का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हमारा सेल्समैन होगा, वहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स मैनेजर क्या करते हैं, कस्टमर की हेल्प करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को समझने में। बेसिकली जैसे आप लैपटॉप परचेस करने के लिए जाओगे तो लैपटॉप की इंफॉर्मेशन आपके पास में बहुत सारी है, बट फिर भी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आप को समझाना पड़ता है, तो वो पर्सनल सेलिंग वहाँ पे इन्वॉल्व आपकी हो जाती है। नेक्स्ट वाला है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स को होती है जहाँ पे कि हम क्या करते हैं, कस्टमर को इस तरीके से ऑफर देते हैं ताकि कस्टमर्स प्रोडक्ट को परचेस करें। एग्जांपल के लिए हम बात करूँ बाय वन गेट वन, है ना, एक के साथ में हमने क्या कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट को हमने फ्री दे दिया, तो उसने बोलता है इसके साथ में मुझे ये भी मिल गया तो मैं इसे भी परचेस कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कस्टमर बोलेगा 10 रुपये, हमें 100 रुपीज़ पे यदि मान लो 10 रुपीज़ मिलता है, तो कस्टमर उसकी रुपी को बेनिफिट्स के से कंपैरिजन करता है, मुझे मेरे रुपी की वैल्यू मिलनी चाहिए, तब तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं परचेस करूँगा। उसके बाद में आता है हमारा, जैसे हमने किसी प्रोडक्ट के साथ में हमारे प्रोडक्ट की सेल को भी हमको क्या करना है, हमने उसको भी बूस्ट करने के लिए हमने साथ में उसको फ्री दे दिया है, तो फ्री सैम्पलिंग भी हम यहाँ पे कभी कभी कस्टमर के साथ में करते हैं, ताकि कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करे और वो बाद में हमारे को सेल जनरेट करने में वो हेल्प करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेरियस कस्टमर को ऑफर देते हैं जिससे कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेस करता है। उसके बाद में आता है हमारा पब्लिसिटी। पब्लिसिटी से मतलब है कि मार्केटर या फर्म कुछ मार्केट में इस तरीके का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि क्या होता है कि यूनिक होती है, कुछ इनोवेशन होता है, तो वहाँ से एकदम से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है मार्केट में बूस्टअप होता है। तो जनरली
पब्लिसिटी क्या होती है, नॉन पेड फॉर्म होती है ना। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जैसे ब्रांड एम्बेसडर है, हमारा ब्रांड एम्बेसडर ज़्यादा भी जाएगा तो वो कहीं भी खड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड यदि कुछ भी चीज़ है तो वो रिफ्लेक्ट उसमें होने लग जाती है। पब्लिसिटी क्या करती है, एक प्रकार का नॉन पेड फॉर्म होता है हमारा। जो मार्केटर कुछ नया अच्छा करता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो है पब्लिसिटी में होती है, पब्लिक उस प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात करने लग जाती है। उसके बाद पब्लिक रिलेशन से मतलब ये है कि पब्लिक रिलेशंस में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपनी फर्म को अच्छा बनाने के लिए, अपनी फर्म की इमेज को अच्छा बनाने के लिए, अपनी रेपुटेशन को अच्छा बनाने के लिए कुछ इस तरीके से मार्केट में चीज़ें करती है जिससे कि कंपनी की जो इमेज है वो अच्छी बनी है। जैसे हम कुछ भी कोई ब्रोशर दे देते हैं या कहीं हम क्या करते हैं ईमेल वगैरह कस्टमर को भेजते हैं, है ना। और उसके साथ साथ में कहीं भी, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसका आपको पब्लिक रिलेशंस का, नेस्ले का जो मैगी था उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड एक इंग्रेडिएंट का इशू था, उससे मैगी का सेल काफ़ी डाउन हो गया था। अब उस मैगी के सेल से क्या हो गया था कि सेल डाउन होने से अब कंपनी की इमेज डाउन होने लगी। तो कहीं भी कोई प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी को अपनी इमेज को रीबिल्ड करना पड़ता है। तो ये पब्लिक रिलेशन कंपनी की इमेज को रीबिल्ड करने के लिए, रेपुटेशन को रीबिल्ड करने के लिए पब्लिक जो है हमारा पब्लिक रिलेशन, इसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा आज का जो सेशन था, ये जो लेक्चर था हमारा कि इन आप जो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस वो प्रमोशन के एलिमेंट के साथ में आप क्या हो जाओ, फेमिलियर हो जाओ। हम नेक्स्ट वाले वीडियो में एक एक एलिमेंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन को सेपरेटली हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जिससे इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सब क्लियर हो जाए। ये कॉन्सेप्ट हम लोग इसलिए स्टडी कर रहे हैं ताकि केस स्टडी में ये आपको हेल्प करेंगे। तो और ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा मार्केट डायनेमिक्स और उसके एलिमेंट्स का ओवरव्यू।